सो वेलकम बैक अगेन गाइस। तो एवरेज एंड एलिगेशन वाले चैप्टर में हमारी दूसरी वीडियो है, और पिछली वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट बच रहा था जो कि मैंने बोला था वेटेड एवरेज है, और ये जो है एवरेज और वेटेड एवरेज के बीच में लगभग आप इसको मान सकते हैं, इन दोनों को इंटरकनेक्ट करता है। ठीक है, तो वैसे तो आज जो है हम इसको सिर्फ डिस्कस करेंगे और इसके बाद कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन इस यहाँ पर हमारा एवरेज का जो भी कॉन्सेप्ट हो खत्म हो जाएगा, थ्योरी पार्ट हमारी क्लियर हो जाएगी, यहाँ पर खत्म हो जाएगी, बाकी हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो क्वेश्चन होंगे वो मैं एलिगेशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा इसके बाद से, और बीच बीच में एवरेज के प्रैक्टिस के लिए कुछ वीडियोज में डालता रहूंगा। ठीक है, तो आपका क्या इस पर विचार है, आप इसको जरूर कमेंट करके बताना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज क्या होता है, ठीक है, तो अगर हम सपोज हमारे पास एक ग्रुप है, और इस ग्रुप में सपोज कीजिए कि हमारे पास N1 जो है एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इस ग्रुप का अगर मैं बोलूँ कि जो एवरेज है वो है A1, और दूसरा हमारे पास एक ग्रुप है ऐसे ही जिसमें N2 एलिमेंट्स हैं और उसका एवरेज है A2, और ऐसे ही हमारे पास K ग्रुप्स हैं, ठीक है, K ग्रुप्स हैं और उनमें इसमें एलिमेंट्स हैं NK और इसका एवरेज है AK। तो अगर मैं क्या करता हूँ कि जो भी हमारे पास ये ग्रुप्स हैं इन सभी को मैं एक में कर देता हूँ, इन सभी को एक में कर देता हूँ, एक सिंगल ग्रुप बना देता हूँ जिसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, N1+N2+.NK एलिमेंट्स हो गए, तो इसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो जो ये एवरेज हम फाइंड करते हैं इसी को हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं वेटेड एवरेज AW से इसको डिनोट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, हमारे जो भी टोटल नंबर्स होंगे उनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो भी यहाँ से फर्स्ट ग्रुप का कितना सम आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा A1 × N1 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा A2 × N2 हो जाएगा, ऐसे ही डॉट डॉट प्लस में हो जाएगा AK × NK, और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, टोटल हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे N1+N2+.NK। ठीक है, तो ये हमारा वेटेड एवरेज का फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका हम यूज करेंगे जब एलिगेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, और उसमें देखेंगे कि किस तरह से ये हमारा पूरा एलिगेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर के इसको समझाता हूँ कि सपोज कीजिए हमारे पास एक ग्रुप है, और इस ग्रुप में जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 5, और इनका वेट एवरेज वेट दिया है। ठीक है, ये वेटेड एवरेज की बात नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज वेट, ठीक है, तो वो कितना है, सपोज 25 kg है, और दूसरा हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें हमारे पास है 10%, और इनका जो है एवरेज वेट है 30 kg। तो अगर मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों ग्रुप्स के जो भी पर्सन उनको मिला करके एक नया ग्रुप मैंने बना दिया, तो इसमें कितने पर्सन हो गए, 15% हो गए। तो अगर मैं पूछता हूँ कि इसका जो है एवरेज क्या होगा इस नए वाले ग्रुप का, तो इसको अगर मैं बोलूँ सिंपल, या ये बोलूँ कि इस वाले ग्रुप का मुझे एवरेज बताओ, या फिर मैं बोलूँगा कि वेटेड एवरेज। ठीक है, तो इसको मैं फाइंड करने के लिए क्या लिखूँगा, AW इक्वल्स, अब ऊपर हमारा क्या होता है टोटल जो है सम, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्रुप का ग्रुप में जो जितने भी हमारे वेट हैं उन सबका सम करना पड़ेगा। तो 5 लोगों का जो यहाँ पर होगा वो कितना हो जाएगा वेट का सम, तो जाएगा 25 × 5, ठीक है, और प्लस कितना करना पड़ेगा, ये जो 10 लोग हैं इनका क्या है एवरेज है 30 kg, तो 10 लोगों का पूरा हमारा सम कितना आ जाएगा 30 × 10 आ जाएगा, ये आपका बेसिक फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास X1 और X2 X3 इस तरह से XN हमारे पास होते हैं, अगर एलिमेंट्स होते हैं और N कर देते हैं, और ये हमारा हो जाता है 8, ये होता है एवरेज हो जाता है। ठीक है, तो सबका सम क्या होता है, सबका सम हो जाएगा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और जो एवरेज है, तो ये हमारा जो एवरेज है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल सम मिल जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा,
जो भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या टोटल नंबर ऑफ पर्सन 15, तो इनको हम जो भी फाइंड करेंगे जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा नया ग्रुप बनेगा उसका क्या हो जाएगा, एवरेज वेट इतना हो जाएगा जो भी आएगा। अब इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने पिछले क्लास में किए थे, थ्योरी पार्ट कवर किया था, उस पर कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो इसमें सबसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ बैट्समैन आफ्टर 25 इनिंग्स वाज 56 रन पर इनिंग, इफ आफ्टर 26 इनिंग एवरेज इंक्रीज बाय 2 रन देन व्हाट वाज हिज स्कोर इन द 26 इनिंग। तो इसको मैं दो मेथड से करूंगा। सबसे आपका हो गया कि थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है जो आपको फॉर्मूले से पता है। तो आपका क्या दिया है कि 26 इनिंग है, ठीक है, 25 इनिंग है और उसमें एवरेज क्या है, 56 रन है। तो सिंपल हमारा जो बेसिक फार्मूला है इसको मैं यूज करूंगा और मान लेता हूँ कि फर्स्ट इनिंग में x1 रन बनाया, सेकेंड में कितना बनाया, x2 बनाया। ऐसे ही जो 25th है उस इनिंग में मैं बनाया x25 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूँ। अब हमारा क्या बोल रहा है कि जो 26th इनिंग हमारा उसमें है वो क्या कर रहा है कि 2 से जो है एवरेज बढ़ जा रहा है, यानी कि अब हमें क्या हो गया कि 58 हो गया एवरेज। और कब हो गया, जब x1 प्लस x2 प्लस x25 प्लस x26, जो x26 है क्या है, जो 26th इनिंग में जो हमारा रन बना है वो है और अपॉन में कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो हमें क्या पता है कि x1 से लेकर के x25 तक हम यहाँ से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे उसको यहाँ से ले आकर के, और इस यहाँ से फिर हमें क्या होगा, हो जाएगा एक अननोन रहेगा जिसको हम फाइंड कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 58 × 26 और ये हो जाएगा, यहाँ से फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो भी इसका सम होगा 56 × 25 आ जाएगा। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 56 × 25 और प्लस में x26 पूरे के अपॉन में हो जाएगा 26 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया है तो 26 नहीं होगा, इतना हो गया। अब यहाँ से x26 हमें फाइंड करना है तो हो जाएगा 58 × 26 माइनस 56 × 25। अब इसको आप कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हो कितना आएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ। आपने इसमें देखा कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम पड़ रही है कि एक तो ये पूरा इतना लेंथी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, और दूसरी चीज अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर उसको माइनस करना पड़ेगा। अब जो हमारा दूसरा मेथड है इसमें अच्छी बात यह है कि हमें इतना ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हमारा मेथड 2 है, इसमें हम सिंपली जो है x1 x2 जो भी x25 तक है इसको हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि एवरेज जो चीज़ होता है उसी से हम सबको रिप्लेस कर देंगे तो हमारा जो टोटल होता है वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि x1 की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, ये बोल देता हूँ कि 56 है, x2 की भी वैल्यू क्या है, 56 है, ऐसे ही x25 तक क्या है, 56 है। अब जैसे ही मैं 26th वाली वैल्यू को ऐड करता हूँ, अब क्या हो रहा है, ए हो जा रहा है 58 हो जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमने इस चीज़ को ऐड किया है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसको हमने ऐड किया है और बाकी क्या हो रहा है, इसमें प्लस 2 ऐड हो रहा है, इसमें प्लस 2 हो रहा है, ऐसे ही एक इसमें भी प्लस 2 हो रहा है, सब में प्लस 2 ऐसे ही हो रहा है, यानी कि हो जा रहा है 58, ये भी 58, ये भी 58 और ये कितने हैं टोटल, ये टोटल हमारे हैं 25 है। ठीक है, तो 25 × 10 2 हो रहा है, यानी 50 रन्स ये बढ़ जा रहे हैं यहाँ पर। ये जो 25 इनिंग्स हैं, 25 इनिंग्स हैं, इनमें क्या हो रहा है, 50 रन्स बढ़ जा रहे हैं और एक चीज़ हमारा और एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो टोटल कितना ऐड हो गया, 50 और प्लस में 58, ठीक है, 108 रन, ये जो है 26th इनिंग में हमने ऐड किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि कितनी आसानी से हमें इतना जो है गुड़ा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इतना ज़्यादा माइनस करने की जरूरत नहीं, इतना लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल से स्टेप्स में हमारा ये चीज़ आ गया है। तो इसलिए मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है इसकी जो प्रॉपर्टी है
हम सभी नंबर्स को जो भी एलिमेंट्स हैं उसके एवरेज से अगर रिप्लेस कर दें तो टोटल जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। इस चीज का हमें बहुत जगह यूज होगा। और आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको पता है कि आपके दो दो सेकेंड्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर तो आप बहुत बहुत सेकेंड बचा लोगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये है हमारा एज के ऊपर है। ओके, तो यहाँ पर है कि द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स एंड ए टीचर रिड्यूसेस बाय 0.5 इयर्स इफ वी एक्सक्लूड द टीचर। इफ द इनिशियल एवरेज इज 14 इयर्स एवरेज ऑफ क्लास टीचर। ओके, तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि 30 स्टूडेंट्स हैं, X1, X2, इनके ये सभी उनकी एज है, ठीक है, X30। और इसमें एक टीचर है, उसको मान लेता हूँ उसकी एज है जेड है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में इन सभी का क्या है, इन सभी का एवरेज हमें क्या मिला, ये मिला हमें 14 ईयर्स। ओके, तो आप इसको फिर वही वाला चीज कर सकते हो कि इन सभी को ऐड करो और फिर जो है फाइंड करो एक आप इक्वेशन बना करके। लेकिन मैं उस वैसा नहीं कर रहा हूँ, आप उस मेथड वन से आप इसको खुद सॉल्व करना, मैं आपको बता रहा हूँ मेथड टू से कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में क्या था, 14 ईयर्स X1 की एज, X2 की एज क्या थी, 14 ईयर्स। ऐसे ही X जो है 30 तक क्या है, 14 ईयर्स है। और जो Z है उसका भी 14 ईयर्स होगा जो टीचर है। अब बाद में हम क्या कर रहे हैं कि इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, इसको हटा दिया, नहीं 14 ईयर से भी हट गया। और बाकी क्या हो रहा है कि और जितने लोग हैं उनकी भी एज 0.5 से माइनस हो जा रही है, ठीक है? क्या बोल रहा है कि एवरेज जो है रिड्यूस हो जा रहा है। एवरेज का मतलब कि इस अगर मैं सबको रिप्लेस कर दूं 14 से, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 0.5 इसमें से रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही सब में से 0.5 0.5 0.5 हो जाएगा हमारा 13.5। लेकिन हमें इस 13.5 से कोई अभी मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है, एक टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 30 हैं, और 30 जो स्टूडेंट का है 0.5 से रिड्यूस हो रहा है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना हो गया, 15 ईयर्स हो गया, ठीक है? तो ये 15 ईयर्स हो गया जब ये टीचर को एक्सक्लूड कर रहे हैं, और 14 इधर से भी एक्सक्लूड हो रहा है, तो टीचर की जो एज हो जाएगी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 14 प्लस में 15 हो जाएगी, 29 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है? तो आप फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हो कि आपका जो है आंसर इतना आ रहा है नहीं आ रहा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें भी हमारा सेम लॉजिक पे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। मेथड वन से आपको सॉल्व करना है, मेथड टू से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो एवरेज मार्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑन ए टेस्ट इज रिड्यूसेस बाय 4 व्हेन द टॉपर हु स्कोर 90 मार्क्स इज रिप्लेस्ड बाय न्यू स्टूडेंट, हाउ मेनी मार्क्स डिड द न्यू स्टूडेंट है। तो क्या बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि मैंने माना X1 है, X2 है, ऐसे X20 है, और इनका एवरेज जो है नहीं दिया है। लेकिन ये चीज दिया है कि जो भी एवरेज है, जब हम टॉपर, एक टॉपर होगा इन 20 में से जिसके कितने मार्क्स हैं, वो स्कोर्ड 90 मार्क्स। सपोज कीजिए कि मैंने इसको मान लिया टॉपर है, और इसके कितने मार्क्स हैं, 90 मार्क्स हैं। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, एक और बंदा है जिसको मैं कैपिटल एक्स मान लिया, इससे जब मैं रिप्लेस करता हूँ तो इसका भी मार्क्स जो है 4 से डिक्रीज हो जा रहा है, इसका भी 4 से डिक्रीज हो जा रहा है, सबका, यानी कि 20 तक के सॉरी। तो यहाँ तक क्या था कि जो भी उनका एवरेज था, सपोज कीजिए ए था एवरेज, ए सबका था, ए मार्क्स था। अब बाद में क्या हो गया, सबका ए में से 4 माइनस हो गया, यहाँ पर भी 4 माइनस हो गया, यहाँ भी 4 माइनस हो गया, ठीक है, सबका 4 माइनस हुआ है। तो 4 माइनस होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो नया बंदा है इसकी वजह से सब में से 4 माइनस हुआ है। तो कितने स्टूडेंट है टोटल हमारे, हैं 20 स्टूडेंट, तो 4 माइनस हो गया, तो कितना माइनस हो गया, 80 जो है मार्क्स यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी कि एक्स जो है आ रहा है तो 80 मार्क्स रिड्यूस हो रहा है। और जब इसके मार्क्स कितने थे, 90 थे, तो इस एक्स के कितने थे, यानी
माइनस 30 कर दोगे तो हमें मिल जाएगा 10 मार्क्स। 10 मार्क्स इसके थे और जो 80 मार्क्स इसने इसकी वजह से यहाँ पर प्लस 80 करोगे तो क्या हो जाएगा, टॉपर का मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और अगर जो है इस वाले बंदे का चाहिए तो माइनस 80 कर दो तो इसका आ गया। तो ये हमारा मेथड टू से हो गया। और एक और हम कर सकते हैं कि सिंपली मान लो कि हमारा यहाँ पर एवरेज क्या है, एवरेज हम मान लिए कि ए है, ठीक है। अगर हमने एवरेज ए मान लिया, अब जो 20 स्टूडेंट है उनमें से क्या हो रहा है, माइनस 4 हो रहा है, तो सीधे 20 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 20 ए हो जाएगा। ये तो इनिशियल हो गया, ये क्या हो गया, इनिशियल हो गया माइनस 80। यहाँ पर हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि 80 मार्क्स यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, और ये इसकी वजह से हो रहा है, इस वाले बंदे की वजह से, ठीक है।